ఈజీ బైక్ ఈజీ హరామీ లొండా హరామీ లొండా ఈ పత్తి కదా బాగా కాలుడి పత్తి అచ్చా ఈ ఈ సోచతా కో చోర హై కహతా కో బహుత్ అచ్చి సోచతా కో చోర హై బోల్తా బోల్ దేంగే తో వహాన్ పే సాసేజ్ పార్టీ హో రహీ హోతీ హై ये लड़कियां चढ़कियां नहीं होती वहां पे बिग पठान मैन माय नेम इज फातिर यमीन फ्रॉम एबटाबाद मैं एपीएस से हूँ मेरे साथ एपीएस में बहुत चीजें हुई थी बट आई लाइक्ड इट एक्सेप्टिंग लोग हैं वो ठीक कह रही है प्यारी लड़की प्यारी लड़कियां हाँ मेरी दोस्तों बहुत प्यारी हैं सही कह रही है एससीएच में तो खास हो मोहम्मद थोड़ा सा ऊंचा मोहम्मद हुसैन अस्सलाम वालेकुम टेबल हो एनर्जी खास से लाओ अस्सलाम वालेकुम ईमान ईमान साहब मेरा नाम है हमद इकबाल मरियम गुल मरियम गुल मेरा नाम बिलाल है बिलाल आपका नाम सारा अरूबा सर आपका नाम गनी गनी जी नम्रा फातिमा आयशा हमीद मारिया शेरयार फातिर इरदाम असद हैदर उज़ैर मुझे ये बताओ कि नस्ट की लाइफ कैसी है नस्ट की लाइफ बहुत अच्छी है बहुत एनर्जेटिक है थोड़ी देर पहले क्या बोल रहे बस आजकल तो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो एग्ज़ाम्स में तो आपको पता है लाइफ कैसी होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की लेकिन आम दिनों में पार्टी सही होती है आते हैं आपकी तरफ आते हैं बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही बहुत अच्छी है बहुत अच्छी है एक्चुअली आपको नज़र नहीं आ रही लाइक इट्स वेरी हैप्पिंग यार मतलब यू नो वी फील के इस्लामाबाद में एक नास्टी है और तो कुछ भी नहीं है आप दोनों से यार ऊपर देख के बात अच्छा मुझे बताएं कि नस्ट की लाइफ कैसी लगी आप क्योंकि आपकी हाइट ज़्यादा है इसलिए मैं सबसे पहले आपसे ठीक है ऊपर थोड़ी गर्मी ज़्यादा है आजकल लेकिन कभी इवेंट्स हो रहे होते हैं तो कभी पढ़ाई चल रही होती है ठीक है बैलेंस लाइफ है इन्वायरमेंट सही है तक जाते इवेंट हो जाते अभी फ्राइडे को भी हमारी इवेंट है सीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं तो ठीक है नॉट बैड दरमियाना सही है यार अच्छी है डिपेंड करते हो आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में से अगर रुलना चाहते हो मैं यूं खड़ा हूं आप बोलें कुछ नहीं सॉरी मैं ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में चला गया हूं अगर आप चाहते हो कि आपके हॉस्टल में पानी ना आए बिजली ना आए कुछ भी ना आए तो आ जाओ नस्ट यार ग्रेट यूनिवर्सिटी नंबर वन यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान बट नहीं इन ऑल सीरियसनेस काफ़ी अच्छी इट्स अ वेरी नाइस प्लेस इट्स अ लॉट ऑफ ग्रेट पीपल इट्स अ लॉट ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई थिंक पाकिस्तान में दिस नॉट अ लॉट बेटर यू कैन डू द नस्ट विच इज़ नॉट दैट ग्रेट लेकिन चलो पॉकेट लीज इज समथिंग मैं आपको बताऊँ तो नस्ट की लाइफ बेकार है फॉरेन यूनिवर्सिटी है ना कुछ होता है कुछ जाना हो आपने कहीं पैर चल के जाओ दूसरे डिपार्टमेंट तक ये तो और मैं बाइक पे चला चला के मैं थक गया वही ना बाइक ऊपर से बाइक यहाँ पे बंदा गाड़ी चलाना शुरू करे इतना महंगा पेट्रोल है गाड़ी में तो आप जा नहीं सकते बहुत फारेगा मेरे हिसाब से यूनिवर्सिटी यार क्या कहते हैं छोटे शहर से मैं आया हूँ यहाँ पर तो किस शहर से काफ़ी एबटाबाद से तो थोड़ा डिफरेंट था अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था लेकिन जब एक दफ़ा आप सेट हो जाते हो तो इट्स क्वाइट अ रिच एक्सपीरियंस अच्छा एबटाबाद की ठंडक और अब भी नस्ट की गर्मी यार ये इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ इंटरव्यू में बोल नहीं सकता चिल है बहुत मज़े की इट्स फुल ऑफ फन क्या क्या चिल मतलब इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं ऊपर से बहुत बड़ी है तो वी कैन लाइक हैंग आउट और धूप लगवाते रहो लगवाते नहीं गर्मियों में नहीं ना रात के टाइम इतना मजा आता है नाइट लाइफ बहुत अच्छी है नस तो बेस्ट है नस की लाइफ तो इजी बाइक भी आ गई है आई थिंक वी हैव एवरीथिंग हियर तो इट्स अनमैच्ड या यार नस का गुड सीन है काम के टाइम सीरियस नहीं नहीं सीरियस यहाँ के देखो सच्चाई बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको हर तरह का बंदा मिलेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं डे स्कॉलर हूँ तो मुझे ना पूरे पाकिस्तान के लोगों से ना इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है क्योंकि यहाँ पे हॉस्टलाइट्स बहुत ज़्यादा हैं और हर तरह के कल्चर बैकग्राउंड से आए हुए हैं लोग उनसे सीखने को मिलता है उनसे सारी बात उनके अपने इलाकों का पूरे पाकिस्तान का पता चलता है कि कैसे कैसे लोग हैं नस्ट के नाम ही डरोना सा है मतलब कि हर बच्चे का ख्वाब होता है नस्ट में जाना भाई नस्ट की लाइफ ठीक है लेकिन थोड़े मसले हैं लेकिन वो सबको ही होते हैं मतलब आपके एक्सपीरियंस भी डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ अच्छी गुजर रही है या जैसी गुजर रही है मतलब हर बंदे का डिफरेंट एक्सपीरियंस है तो मेरा डिफरेंट है मैं ज़रा थोड़ा सा नहीं हूँ वो क्या कहते हैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ पढ़ाकू नहीं हूँ मैं लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ नस्ट से नस्ट की लाइफ से बेसिकली हॉस्टल में मसले वगैरह होते हैं थोड़े से यार नस्ट की लाइफ बहुत अच्छी है बहुत अच्छी लिटरली क्या अच्छा अच्छा क्या लगा अच्छा ये है कि नस्ट में डाइवर्सिटी बहुत है मतलब कि डिफरेंट कल्चर से आप लोग मिलोगे तो पढ़ाई कैसी है पढ़ाई मुश्किल है मुश्किल है मेरे लिए पढ़ाई मुश्किल ही है नहीं नहीं मगर स्टैंडर्ड क्वालिटी अच्छी है क्वालिटी अच्छी हां नहीं इस बात पे नहीं बिल्कुल सही है हर किस्म की फैकल्टी अच्छी भी है बुरी भी है जो हमारा बैड सीन है वो है रिलेटिव ग्रेडिंग का उसमें थोड़ा टफ हो जाता है कंपटीशन आ जाती है ओवरऑल अच्छा है मतलब लर्निंग हो जाती है
इस्लाम आबाद के साथ देखा जाए तो फिर ठीक है, जो बाकी जगहों पे मिल रही है पढ़ाई तो ठीक है, हाँ सही है, मतलब बेहतर हो सकती है। इट्स बिन अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस इन ऑल ऑनेस्टी। जब हम पेशावर से आए थे इनिशियली काफ़ी डाउट्स थे किस तरह की लाइफ होगी, क्या चल रहा होगा सब कुछ, मगर द पीपल द मेमरीज एवरीथिंग इट्स बिन लाइफ चेंजिंग। सोचा क्या था कि नस्ट में आना कहाँ जाना? नास्टी मेरी तो फर्स्ट प्रेफरेंस थी नास्ट, मेरी भी, मैंने कहीं और अप्लाई नहीं किया, मुझे नास्ट में यार। अच्छा दो वर्ड में नास्ट को एक्सप्लेन करें, दो वर्ड जस्ट टू वर्ड्स। वो तीनों सोच रही हैं सर, बच्चा ही मैंने पूछा, मैं सोच के अपना वर्ड, मैं जरा सोच लूं डर में आगे। द बेस्ट, इट्स ह्यूज, इजी बाइक, ब्यूटीफुल। अच्छा दो लव्स में नास्ट को एक्सप्लेन, गाइगेंटिंग एंड ब्यूटीफुल, तीन वर्ड एंड बीच में आ गए, चले फिर एंड को हटा दे, यही है। समझने वाले समझ सकते हैं। अब आप हंसी कर दो, उन्हें मुंह की आप माय आंसर आल्सो सेम, नो डिफरेंस, दो वर्ड्स। अच्छा दो वर्ड में नेक्स्ट को एक्सप्लेन करो, दो वर्ड्स, कोई बंदी नहीं है। सबसे पहले तीन टेक्स्ट मुझे बस कैमरे में बंद करके भाई को दिखाओ, मुझे ना दिखाओ, भाई को व्हाट्सएप भाई, पहले पांच देखने, सच बताने, बस दो, तो तुम दो भाई हो ठीक है, भाई तीसरी मेरी बहन है, भाई झूठ बोल रहे हैं भाई, बंदियां ही बंदियां हैं। इसका कौन किसी बंदी का नाम बता यार, एक का नाम तो ये आयशा लिखा हुआ है, एक यहाँ पे हाँ लोंडे आप बता, कोई ऐसी नहीं है, बंदियां कोई नहीं है, लोंडे अभी बंदी नहीं देते यार, कैमरे में दिखाऊं, फिर कैमरे में दिखाते हैं, अच्छा लगता है। मेरा नाम है फातर यमीन, मैं एबटाबाद से हूँ, एंड आई लाइक मेन। किसको लाइक करते हैं? बिग पठान मैन, माई नेम इज फातर यमीन फ्रॉम एबटाबाद, मैं APS से हूँ, मेरे साथ APS में बहुत चीजें हुई थी, बट आई लाइक्ड इट। अगेन माई नेम इज फातर यमीन फॉर एनी फ्यूचर, आई हैव अ हम्द, ओह शिट, आई हैव अ फ्रेंड कॉल हम्द इकबाल, ही इज द बेस्ट ह्यूमन बींग अलाइव, लेकिन यू कॉन्ट लुक एट हिम और एल्स यू विल डाई विद लव and sexual tension, yes. मैं इतना प्यारा नहीं हूँ उसको देख, नहीं यार लग रहे हो, पता नहीं, हाँ मुझे बताओ कि कोई तुम्हारी कोई बंदी नहीं है? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह यार, इसका मोबाइल करो अब, पहले पांच कॉन्टैक्ट जल्दी से बताओ, दिखाओ नहीं तुम्हें नाम नहीं लेने अभी ले, सारों को पता लग जाएगा, मजे की बात पांचों को बोला है कोई नहीं है तो पांचों को पता, एक का नाम तो ट्रबल नाम से, मैंने गलत ही खोल के दिया, एक तो टॉबलरोन है, नहीं नहीं वो नहीं है, कोई भी टॉबलरोन है बंदी, हां ये मैसेज दो कोई है, मेरी बंदी नहीं, मेरी और बंदी अभी नहीं है, फ्रेंड्स जो यहाँ पे बहुत अच्छे मिले हमें, दो वर्ड्स में करना है, स्ट्रेसफुल येट मेस्मराइजिंग, ये दूसरा वर्ड जो है मैं गूगल कर रहा हूं, सॉरी यार आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, अच्छा भाई का इंटरेस्ट ही डिफरेंट है, पहले आप नहीं, अच्छा मुझे पहले तो इंटरेस्ट किस में, मैंने सवाल ही गलत पूछा, इंटरेस्ट तो बंदियों में ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ऐसी क्या चीज है जो नस्क में है और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है? यार आई मीन लुक अराउंड नस्क, ठीक है, डजंट लुक लाइक अ यूनिवर्सिटी, doesn't even feel like a university, it feels like a military campus, lekin that's kind of a good thing because Pakistan mein jo universities hain kya karoge, what's your other choice, go to Lums, if you want to get cancelled yeah sure it's good, if you want to get cancelled after every two words you say great university, accepting log hain as far as I've seen, accepting log hain, wo theek keh rahi hai, pyari ladkiyan, हाँ मेरी दोस्तों बहुत प्यारी हैं, सही कह रही हैं, SCH में तो खास हो नंबर वन,
11 बजे कर्फ्यू नंबर वन 11 बजे कर्फ्यू 11 बजे कर्फ्यू लग जाता है साढ़े बारह अगर फॉर एग्जाम्पल को बंदा बाहर नजर आ जाता है उसका हाल क्या होता है हाँ डिपेंड करता है कौन कौन सा चाचा देखता है बातचीत हो जाए थोड़ी गपशप हो जाए तो छोड़ देते हैं ना हो तो इफ़ यू नो द राइट पीपल कुछ भी नहीं होगा कनेक्शंस की बात है सारी चलती है कनेक्शन इसमें चलते हैं चला रहे हैं हम जैसे अच्छे लोग इतना प्यारा कैंपस और इस्लामाबाद फॉर श्योर कैंपस इतना बड़ा कैंपस इतना बड़ा कहीं भी नहीं है कैंपस इतना बड़ा कैंपस है कि आपको गाड़ी लेके एक कैंपस से दूसरे कैंपस और बंदे के हालात हो जाते हैं ठीक है यहाँ की बंदियाँ प्यारी हैं बंदियाँ प्यारी मुझे तो कोई नज़र नहीं आई बंदी नज़र नहीं आई बंदी आपको इसलिए नजर आई पेपर दे रही है पढ़ने वाली होती है बंदियां लंदन लंदन में नहीं नजर आ रहे थे इसीलिए आवाम कितने बजे तक ठंडक इस C1 में ठंडक कब आएगी C1 में ठंडक आएगी पेपर के बाद 1.5-2.5 इसी टाइम बहुत बड़ी है तो यहाँ मजा आता है हैंग आउट्स करने का आप आंसर मैं दे दूं इसकी सोशल लाइफ जो है वो सबसे अच्छी है मतलब बाकी यूनिवर्सिटी से कंपैरेटिवली यहाँ पे जो हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ये ओलंपिक स्टाइल पे बना है इन केस अगर कभी ओलंपिक हुआ पाकिस्तान में तो हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अपना दे सकते हैं तो ये एक एक्सेप्शनल बात है यूनिवर्सिटी के बारे में कैंपस लाइफ नेस की हाँ जी बहुत अच्छा ओलंपिक स्टाइल का बना देखो अगर आप कहते हो कि पूल में पानी होना चाहिए ओलंपिक के हिसाब से तो हाँ है वो है अगर आप जिम कहते हो उसमें इक्विपमेंट होना चाहिए इक्विपमेंट है ठीक है वो अलग बात है कि एसी जैसे काम नहीं करते हैं थोड़ी गर्मी होती है और पूल भी जो है वो मतलब थोड़ा सा गर्म पानी है उसमें ठंडा पानी नहीं बहुत ठंडा बर्फ डाल रही है हाँ थोड़ा बहुत स्टाइल वही है मतलब जो है हाँ है तो मतलब खुदाई की जमीन के अंदर लेकिन यार नस की अच्छी बात यह दर्ज अ वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हर जगह से हैं देसी हैं बर्गर हैं सिंधी हैं गिलगिती हैं फ्रॉम एवरीवेयर इसमें आपके फेवरेट गिलगिती पसंद हैं क्या मतलब लाइक कौन सा कल्चर पसंद है आपको यार गिलगिती हमारे भाई और बहन बहुत ज़्यादा हैं इधर खासकर हमारे डिपार्टमेंट में लेकिन मैं पंजाबी हूँ आई एम पंजाबी एट हार्ट आई एम लाहौरी एट हार्ट तो आई लाइक माई पीप्स आई लाइक माई शुगली पीप्स पाकिस्तान में ऐसा कैंपस मैंने तो नहीं देखा मैंने भी नहीं देखा हाँ वो भी छोटा सा है छोटा सा Nast is really, really nice. And, मतलब, we have all the facilities. We have got saddle club. We have got sports complex. We have bowling. Yeah, we are. किसी भी university में इतना कुछ नहीं है. आपने देखी? हमारे पास easy bike भी है. क्या आपको चाहिए? Nast में क्या ऐसा चीज है जो बाकी में नहीं है? किसी university में. यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे दरख्त बहुत हैं. आग बड़ी अच्छी लगती है. आग बड़ी अच्छी लगती है यहाँ. पिछले कल लगी है यहाँ पे आग. आग बहुत अच्छी लगती है यहाँ पे. थोड़ा सा ऑडियंस को बताते हैं कि मैंने भी फर्स्ट टाइम ही किसी यूनिवर्सिटी में देखा क्योंकि मैंने हर यूनिवर्सिटी विजिट की हुई है इजी बाइक का सीन क्या कि कोई मतलब कि इसको क्या रेंट पे लेना पड़ता है क्या चक्कर इजी बाइक भी एंड वी आल्सो हैव टू इसका ऐप होता है बेसिकली ठीक है ऐप होता है ऐप पे आप रजिस्टर करते हैं और आप ऑनलाइन ही पे करते हैं और फिर वो पर आवर की बेसिस पे होता है तो और इसका ये है कि आप कहीं पे भी अच्छा S3H सबसे डिफरेंट क्यों है मतलब मैं बाकी यूनिवर्सिटी में फिर हूं तो खल्ली वल्ली कोई नजर नहीं आया इंटर होता कि मैं एक अलग सी वाइब थी क्योंकि यार S3H में पता है हमारे पास करने को क्या होता है फक ऑल हम दुनिया जहान के सबसे वेले तरीन आदमी हैं बिकॉज इट्स सोशल साइंसेस यू नो व्हाई दे कॉल इट सोशल बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट ठीक है इकोनॉमिक्स यहाँ पे लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स क्या होती है क्या क्या इकोनॉमिक मसला जस्ट प्रिंट मोर मनी प्रॉब्लम सॉल्व हम इधर बैठ के वेलियां मारते हैं आई मीन लुक एट दीज पीपल इनकी शक्लों से पता लग रहा है ये लोग एम्प्लॉयड होंगे नहीं तुम पूछ रहे थे कि C1 में वाइब इतनी डेड क्यों है क्योंकि वो लोग उधर पढ़ने आए हैं वो लोग इलॉन मस्क बनेंगे हम यहाँ क्या बनेंगे हम सिर्फ इधर इलॉन फक्ड होंगे अच्छा मुझे बताएं नस्ट का सबसे चिल डिपार्टमेंट कौन सा हमारी भी तो MBA S3H क्या इनको पढ़ाओ कोर्सेज इनके ऐसे हैं और इनके कोर्सेज में इनके प्रोजेक्ट और एक्टिविटीज भी ऐसी होती है कि इन लोगों को मतलब लोगों से इंटरेक्ट ज़्यादा करना पड़ता है इनका किताबी काम कम होता है तो मे बी दैट्स द रीज़न हाँ जो है इनका वो काम कम होता है जैसे कि आपके केमिस्ट्री फिजिक्स टाइप चीज़ें होती नहीं है तो वो इंजॉय करता है अपना काम भी करता है देखिए S3H की वाइब ही अलग है S3H की लोग ही अलग है S3H की लाइफ ही अलग है यहाँ पे असल में S3H एक कैफियत है मैं ये कहूँगा
यार ये काम सिर्फ एसटीएस में होता है, ये झूठ बोल रहे हैं। किसी भी आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाओ, किसी भी और जगह पे जाओ, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई है। 5 बजे वो जब निकलेंगे ना सारे, फिर आप देखना चाहोगे, खड़ा होकर देखना, कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ लौंडे निकल रहे होंगे। सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट जाएंगे तो वहाँ पे सॉसेज पार्टी हो रही होती है, ये लड़कियाँ छिड़कियाँ नहीं होती वहाँ पे।